स्टॉक टर्नओवर क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं. कहता है टेम्स ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 32,000, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 8,000, परचेज वॉज 52,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 10,000. हाउ मच वर द सेल्स, हमें बताना है सेल्स कितनी होगी. हाउ मच वर द सेल्स कैसे आएगी भाई, अगर आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, ओपनिंग परचेज और क्लोजिंग भी गिवन है. तो अब देखिए बहुत आसान है, सेल्स में से अगर आप लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है, ओपनिंग, फिर इसमें ऐड करते हैं परचेजेस, फिर लेस करते हैं हम क्लोजिंग, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट. अब मुझे बताएं क्या चीज़ें आपके पास गिवन है. ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 32, देखिए गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट 32, और ओपनिंग भी गिवन है और परचेज भी गिवन है और क्लोजिंग भी गिवन है. भाई ओपनिंग कितनी है हमारे पास 8,000 और परचेज कितनी है मेरे भाई बताएं, परचेज है 52, ओपनिंग में परचेज प्लस कर लें, और क्लोजिंग कितनी है बेटा बताएं, क्लोजिंग है हमारे पास 10,000, ओपनिंग 8,000 उसमें 52 ऐड कर लें माइनस क्लोजिंग, ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल 50,000, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 50. यार देखो अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हो तो क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल ऐड बैक कर दो तो सेल्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल ऐड बैक कर दो तो ये आ जाएगा 82,000.